नमस्ते दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हुए हैं ऐसी दो स्टॉक लेके जो दो स्टॉक में हमें अगले दिन पोजीशन बनाऊंगा और दोनों स्टॉक के जो टेक्निकल आउटलुक है, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट, और कल जो मैंने वीडियो में अपलोड जो दो स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था उसका रिव्यू भी यहाँ पर देखेंगे। और इंट्राडे टिप्स के लिए आपको करना क्या, अगर आप लोगों को इंट्राडे टिप्स की ज़रूरत है लाइव मार्केट में तो आपको करना क्या है, उसके भी रिव्यू में डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में एडुकेशन पर्पज़ बनाता हूँ और जो भी टेक्निकली आउटलुक मैं निकालता हूँ वो मेरे खुद की रिसर्च है। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो अपनी खुद की इंट्राडे स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड कीजिए लेवल के साथ, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता मेरे स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। तो चलिए चलते बात कर लेते हैं पहला स्टॉक। पहला स्टॉक का नाम है गेल। गेल को मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि उसका रीज़न हम बता देते हैं। उसका जो रीज़न है फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि आज ये स्टॉक 200 डेज़ को पॉजिटिव ब्रेकआउट करके 200 डेज़ के ऊपर ही क्लोज हुआ है, और सिर्फ 200 डेज़ नहीं, 20 डेज मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज एंड पी बोर्ड, इन तीनों को पॉजिटिव ब्रेकआउट करके 200 डेज़ के ऊपर क्लोज हुआ है और बुलिश कैंडल के साथ ही क्लोज हुआ है और स्ट्रांगली बाइंग पोजिशन पर है। इसलिए क्योंकि RSI का जो रेंज है वो 62 रेंज पर है और उसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है, और ख़ास बात जो है, और एक बोटक जो है उसका ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है पॉजिटिव लाइन, और नेगेटिव लाइन का ट्रेंड काफ़ी नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इस तरफ से एक स्ट्रांग बाइंग सिग्नल मिल रहा है, लेकिन उसका बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल हम दोनों देख लेंगे। उसका बाइंग लेवल रहेगा 332.70 रुपये, स्टॉप लॉस रहेगा 326.84 रुपये, और स्टॉप लॉस हमने बता दिया 326.84 रुपये, और फर्स्ट टारगेट रहेगा 333.76 रुपये, और सिक्स टारगेट रहेगा 343.78 रुपये, और सेलिंग पोजिशन रहेगा 325.85 रुपये, स्टॉप लॉस रहेगा 331.71 रुपये। अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बताने से पहले हम कल के रिव्यू देख लेते हैं। कल जो मैंने दो स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, एक है फ्रेंड्स वनरेला और दूसरा है RBL बैंक। वनरेला जो है सेलिंग कॉल एग्जीक्यूट हुआ और उसमें जो है नियरेबल थर्ड टारगेट अचीव हुआ, और RBL बैंक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अब हम इंट्राडे टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंट्राडे लाइव टिप्स के लिए आप लोगों को करना क्या है, मेरे वेबसाइट को फॉलो करना है। वैसे वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, मेरे वेबसाइट का नाम है anjantechresearch.com। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं काफ़ी आर्टिकल पोस्ट करता हूँ, और टेक न्यूज़, विंडोज़ न्यूज़ और मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और टेक्निकल आर्टिकल। अब यहाँ पर देखिए, आज मैंने एक पोस्ट किया था, एडवांस डिक्लाइन 10 AM इंट्राडे स्ट्रेटजी। ठीक है फ्रेंड्स, NSE एडवांस एंड डिक्लाइन 10 AM स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे, NSE एडवांस और डिक्लाइन स्टॉक के अनुसार 10 AM रणनीति कैसे बनाएं। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, देख के आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। और इंट्राडे टिप्स के लिए आप लोगों को करना क्या है, मीनू में क्लिक करना है, और यहाँ पर इंट्राडे टिप जो है इंट्राडे टिप्स में क्लिक करना। देखिए इंट्राडे टिप्स, आज मैंने 6 कॉल प्रोवाइड किया था यहाँ पर। ठीक है, 6 कॉल, तो देखिए 6 कॉल में से कितने कॉल टारगेट हुआ है, उसमें से मैंने फ्यूचर 3 कॉल प्रोवाइड किया, तो स्टॉक कैश 3 कॉल प्रोवाइड किया था। ठीक है, 18 तारीख को देखिए, 18 तारीख NCC जो है फास्ट टारगेट अचीव हुआ, फिर KPIT जो है उसमें नियरबल 1 पॉइंट लॉस हो गया इसमें KPIT में। ठीक है, 1.5 पॉइंट का लॉस हो गया, और DSFL जो है उसमें 1.5 पॉइंट का प्रॉफिट, और भारतीय एयरटेल फ्यूचर जो है उसमें फास्ट टारगेट अचीव हुआ है, और बाटा जो है डोंट ट्रेड नॉट एग्जीक्यूट मैंने कह दिया उसको ट्रेड ना करने के लिए, क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और रिलायंस इंफ्रा जो फ्यूचर कॉल है ये भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग करवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लाइव अपडेट देता रहता हूँ, यहाँ पर आप लोग फॉलो ये कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है उसका नाम है विप्रो। अब विप्रो को प्रोवाइड करने के बजाय हम बता देते हैं उसको सिलेक्ट करने के रीज़न जो है, अभी स्टॉक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशन पर है, क्योंकि ये 200 डेज को पॉजिटिव ब्रेकआउट किया है, और अभी फिलहाल नीचे जो हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है वो है पी बोर्ड और 20 डेज और 50 डेज। तो नीचे 50 डेज, 20 डेज और पी बोर्ड हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है, और 200 डेज को भी पॉजिटिव ब्रेकआउट किया है, और RSI का रेंज जो है वो 62 लेवल पे है, और काफ़ी स्ट्रांगली बाइंग पोजीशन पे। तो इसलिए मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया। उसका बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल हम बता देते हैं। बाइंग लेवल रहेगा 293.96 रुपये, स्टॉप लॉस रहेगा 287 रुपये, और सेलिंग पोजिशन रहेगा 286.34 रुपये, और स्टॉप लॉस रहेगा 292.86 रुपये, और नीचे आप लोगों को टारगेट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, कल के लिए इतना सही, यानी आज के लिए इतना सही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।